आप से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3N न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल चौबीसा। आज हमारे साथ आसपुर ब्लॉक से भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP के ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल जी खरोड़िया हमसे जुड़े हैं। जानते हैं हम उनसे आज राजस्थान विधानसभा के एकमात्र इकलौते सबसे कम उम्र के विधायक राजकुमार रोत 84 विधायक डूंगरपुर, उनकी शादी का माहौल जो अभी हाल ही में डूंगरपुर जिले में एक आदिवासी अंचल में जो युवा पीढ़ी में एक जन चेतना और जागृति लाया है उसके बारे में जानते हैं। स्वागत है हीरालाल जी आपका हमारे चैनल में। सर, हम जानना चाहेंगे राजकुमार जी की शादी के बारे में, कब है शादी और कहाँ उनकी बारात जा रही है बता दी। उनकी शादी 25 तारीख को है और बारात डूंगरपुर में बिजली जारी है और उनकी वाइफ का नाम गीता है और टीचर है। हीरालाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में एक सोशल मीडिया पर उनके एक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे एक मैसेज और वीडियो वायरल हुआ है जो उनको एक लकड़ी के पट्टी पे उनको बैठा के उछल कूद करा रहे हैं, यानी एक अपनी आम भाषा में भागड़ी बोली में मोरिया बोला रहे कहते हैं। क्या बताना चाहोगे आप आदिवासी संस्कृति के बारे में और उस वीडियो के बारे में? यह आदिवासी की संस्कृति जो सदियों से चली आ रही है और पालों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार जो हमें घुंघरा मोरिया डांस कहते हैं और संस्कृति के अनुसार हमारे लोकगीत के अनुसार गीत गाकर उसे लाड़े को नसाया जाता है, दूल्हे को नसाया जाता है। इस तरह घुंघरा बोलते हैं, घुमर गाते हैं, घुमर के नाच चारों तरफ घुमाते रहते हैं और उसको डांस करवाते रहते हैं। यह हमारी संस्कृति है और सदियों से चली आ रही है। इस पुरखों की जो व्यवस्था है व्यवस्था के अनुसार हमारे जो रीति रिवाज हैं रीति रिवाज के अनुसार आज से दिन चलते रहते हैं। आज भी उस संस्कृति को खत्म नहीं कर रहे हम और लगातार जारी रखते हैं। हीरालाल जी, एक और जिससे उनके सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वीडियो उनके देखे हैं, उनमें उनके साथ एक बंदूक है, टोपीदारी, जो पुरानी बंदूक है काफी, क्या कहना चाहोगे इस बंदूक के बारे में? यह टोपीदारी बंदूक है जो पाल लिंगरवाड़ा से गणेशी विजयपाल जी द्वारा भेंट की गई है और वह बहुत पुरानी जो अंग्रेजों के ज़माने में थी और आज वो बंदूकें नहीं मिल पा रही हमारे क्षेत्र में, इसलिए वो बंदूक विजयपाल जी कमेटी द्वारा उन्होंने भेंट की गई है। राजस्थान विधानसभा में एक मात्र सबसे छोटी कम उम्र के विधायक बने हैं 84 विधायक राजकुमार जी, क्या कहना चाहोगे? आपने पहली बार ही डूंगरपुर जिले में रिकॉर्ड तोड़ BTP का माहौल बनाया और दो विधायक भी जीतवा के आपने राजस्थान की विधानसभा में भेजे, क्या कहना चाहोगे आप राजकुमार जी के बारे में? विधायक राजकुमार जी जो 84 से आते हैं, सासरपुर पाड़ली उनका गांव है, वह सबसे पहले गोगीलाल पंड्या महाविद्यालय में प्रेसिडेंट रह चुके थे, जिसके बाद वह धीरे धीरे आदिवासी परिवार की विचारधारा समझने लगे, फिर आदिवासी परिवार की जो संवैधानिक हक अधिकार की आवाज़ उठाने लगे। धीरे धीरे उनका वर्चस्व बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अब वह विधानसभा की ओर अग्रसर करे, इसने में हमारे इस क्षेत्र में सबसे अधिक आदिवासी की जो आवाज़ उठी उनके हक अधिकार की, तो उन्होंने भी पूरे जोर से तरीके से हमारे डूंगरपुर जिले में आवाज़ उठाई और वह एक छोटी अवस्था में छोटी उम्र में 84 से विधायक निकले, जीत के साथ जयपुर पहुँचे और आज पूरे विधानसभा में हर किसी समाज के लिए हर संवैधानिक अधिकारों की आवाज़ विधानसभा में उठाते हैं, संस्कृति की आवाज़ उठाते हैं, इतिहास की आवाज़ उठाते हैं। आज विधानसभा में विधायक राजकुमार जी ऐसे हैं जो 70 सालों से हमारे क्षेत्र में आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और राजकुमार जी विधायक जब विधानसभा में पहुँचे तो आज आदिवासियों के लिए न कि हर किसी वर्ग जो पिछड़ा है उनके लिए आवाज़ विधानसभा में उठाते उठाते रहे और वह आज यह भी सोच रहे हैं मैं किसी वर्ग विशेष को लेकर नहीं, जो गरीब हैं उसकी आवाज़ विधानसभा में उठाऊंगा, आज भी कहते हैं और उठा रहे हैं। हीरालाल जी, जैसे कि भारतीय ट्राइबल पार्टी शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की पार्टी बन के रह गई थी, पर जैसे ही राजकुमार जी जीते, आपके दो विधायक राम प्रसाद जी जीते, उसके बाद राजकुमार जी की विचारधारा
न सिर्फ आदिवासियों की बल्कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की है, तो उससे आपके समाज में कोई माइनस मार्किंग या माइनस पॉइंट तो नहीं जा रहा है? ऐसी बात कोई नहीं है साहब। जब राजकुमार जी विधायक जयपुर पहुंचे हैं तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र में SC ST OBC और माइनॉरिटी उनका मेन लक्ष्य था कि हमारी जो SC ST OBC हैं उनकी आवाज़ जयपुर तक नहीं पहुंच रही है, तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए वह जयपुर पहुंचे। और आज भी जो शोषित हैं, पिछड़ित हैं, जिसपे अत्याचार शोषण होता है और गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी आवाज़ आज भी उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पूंजीपति हैं, जो कई दबंगाई करते हैं SC ST OBC पर भी गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनका आज तक आवाज़ विधानसभा में नहीं उठाई है। इसलिए आज वह हर एक व्यक्ति की आवाज़ विधानसभा में उठा रहे हैं। हीरालाल जी, हमें जानना चाहेंगे, आपने 3N न्यूज को हालांकि इन्विटेशन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस इन्विटेशन कार्ड पर एक अलग प्रकार का सिंबल बना हुआ है जो थोड़ा हट से लिंक से हटकर है, क्या बता सकते हैं कि ये इस प्रकार का सिंबल, ये निशान जो बनाया है वो कैसे किस प्रकार से? ये सिंबल है साहब, इसे सदियों से हमारे पुरखे बनाते आए हैं, हमारी माता बनाती आई है, हमारे पिता भाई सब बनाते हुए आए हैं। इसे हम वागड़ी में हम सोहरी भी बोलते हैं, बराड़ी बोलते हैं, मारक बोलते हैं, हाथिया बोलते हैं, इसे कई तरह के नाम हैं। इसमें जो बैठ के जो हल्दी रस्म पूरी करते हैं उसकी सुख समृद्धि और शांति मिलती है, इसमें कभी दुख दर्द नहीं होता है। जैसे शादी लाड़ी लाड़ा शादी करते हैं, हल्दी करते हैं, तो उनकी जो अंदर की जो मनोकामना है इस सौरी के सामने बैठने से पूरी होती है। तो इस सौरी को हम हमारी जो प्रकृति और जीव मात्र इसके कल्याण होता है, इसे हम चांद सूरज तारे इसके द्वारा इस पर बने हुए होते हैं, और इसमें एक विवाह के तौर पे लाड़ी लाड़ा का भी चिन्ह होता है, चित्र होता है। तो यह हमारे पुरखों की संस्कृति के व्याख्या करती है। जो बराड़ी है वो पुरखों की जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है आदिवासी की नैसर्गिक जो संस्कृति है उसको उसकी व्याख्या करती है। हीरालाल जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे 3N न्यूज की तरफ से राजकुमार जी और गीता मैडम को शादी की, विवाहित जीवन की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद।